के लिए जिनको समस्या थी, 80 करोड़ लोगों को अन्न योजना के तहत फ्री राशन मोदी सरकार दे रही है। घर में सहूलियत हो उसके लिए बिजली हर एक गांव हर एक घर तक पहुंची है। महिलाओं को खाना बनाने में समस्या ना हो इसलिए 9.6 करोड़ महिलाओं को फ्री गैस उपलब्ध कराया गया है। घर पे पानी की समस्या थी, टैप्ड वाटर कनेक्शन नहीं था इस देश में, पिछले कुछ ही वर्षों में करोड़ों करोड़ घर तक टैप वाटर कनेक्शन मोदी जी की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पहुंचाया। और सिर्फ ये नहीं, घर की बंदोबस्त नहीं की, गांव तक सड़क पहुंचाई, स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था की, एजुकेशन सेक्टर में पहली बार वेरियस वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में, क्षेत्रीय भाषाओं में भी आज हम इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था की ताकि कोई नॉन इंग्लिश स्पीकिंग आदमी वंचित न रह जाए। मोदी जी ने विकास का कार्य किया और न्याय, सामाजिक न्याय का भी कार्य किया। पहले बार जो ओबीसी कमीशन था उसको नेशनल रूप में एक अधिकार दिया कि वो अपने समाज के लिए काम कर सके। देश में 8.5% ट्राइबल पॉपुलेशन है लेकिन मोदी जी ने पहली बार तय किया कि कोई ट्राइबल हमारे देश का राष्ट्रपति भी हो सकता है और माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनवाने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने जो जनरल कास्ट है उनको भी, उसमें जो जनरल क्लासेस में भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन डिक्लेयर करके उनको भी रिजर्वेशन देने का काम किया। मोदी जी ने ऐसा गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल देश में साबित किया है जहां पिछले 9 साल में 0 करप्शन 0 स्कैम डेवलपमेंट फॉर ऑल के मॉडल के साथ देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 5th largest GDP इन द वर्ल्ड। 2014 से पहले इंडिया का रैंक नंबर 10 पे था। हमने 9 साल में 5 देशों को पीछे छोड़ते हुए नंबर 5 की इकोनॉमी बने हैं और ना सिर्फ इकोनॉमिकली सशक्त हुए, ना सिर्फ इकोनॉमी का साइज बढ़ा है, देश का दुनिया के मैप पर स्थान और सम्मान भी बढ़ा है। आज मोदी जी वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरे हैं, वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर लीडर के रूप में उभरे हैं। कांग्रेस कहती है कि G20 की प्रेसिडेंसी भारत को ऐसे भी मिलती, इसमें मोदी जी का क्या योगदान है। मैं बताना चाहता हूं कि ये वो मोदी जी है, आज G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, अगले साल नहीं भी रहेगी तब भी दुनिया मोदी जी को अपना नेता मानेगी। कुछ तो बात है मोदी जी में कि देश का इतना सम्मान बढ़ा है कि आज जब मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो 140 करोड़ भारतवासियों का गौरव बढ़ जाता है, छाती चौड़ी हो जाती है जब ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मोदी इज द बॉस। पापा न्यू गिनी जाते हैं तो वहां के प्रेसिडेंट पैर छूकर मोदी जी का आशीर्वाद लेते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन मोदी जी का ऑटोग्राफ मांगते हैं और अब मोदी जी इसी महीने स्टेट विजिट में अमेरिका जा रहे हैं। जब राहुल गांधी जी विदेश जाके अमेरिका में बैठ के देश की कमियां और बुराइयां गिनाने का प्रयास करते हैं तो उनका मुंह तोड़ जवाब भाजपा नहीं देती, उनका मुंह तोड़ जवाब अमेरिका का व्हाइट हाउस देता है जो कहता है कि इंडिया में कितनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, अगर देखना है तो दिल्ली जाकर देख सकते हैं। अमेरिका हमारे तरफ से जो है
देश दुनिया को संदेश दे रहा है, भारत के डेमोक्रेसी की क्षमता दिखा रहा है। और यही इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है जिसको लेके मोदी जी ने भारत का परचम लहराया है। आप देखिए। त्रिपुरार परिवेशक घोष ट्रेडिंग कंपनी एनएस रोड अगरतला मोबाइल 9436489735।